हमें क्या करना है कड़वाहट से, ये दिखने में तो सुंदर है ना। खाना भी रेडी हो चुका है और खाने में है मिताली, क्या दिखा? मैं तो खाने का देखा, ऐसा होता है घर में, तभी तो घर आती हूँ मैं, ऐसे बैठे बैठे खाने को मिलता है। मेरी तबीयत पहले खराब क्या थी मेरा ना, मतलब फिर से पता नहीं इतनी बार पेट खराब कैसे हो जा रहा है, मतलब पच नहीं रहा, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, आप सभी लोग को स्वागत है आज के इस व्लॉग में। तो आज जो है मैं लगभग आधे महीने बाद जो व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि पहले तो मुझे बहुत सारा काम था उस वजह नहीं कर पाई, और उसके बाद जो मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो फिर और मतलब नहीं कर सकती थी। अभी मैं घर भी आई हूँ और मेरी तबीयत ठीक है, तो मैंने सोचा कि आज जो है व्लॉग शूट कर ही लेते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं कमोला, क्योंकि मम्मी ने घास काटी है, घास लेके आनी है, और आजकल जो है बारिश के दिन है तो घास काफी भारी भी होती है, इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से कमोला की धार में। यहाँ से हम लोग जाएंगे चितरखंड वाले रास्ते से होते हुए अपने दूसरे वाले घर, तो चलते हैं बातें करते हुए। तू भी आ पीछे तो चलते रहते हैं। फिसल गई। फिसली यार। आ गया। ये रास्ते हैं, पानी की वजह से पूरा इनमें काई लग चुकी है, तो फिसलने का डर रहता है, और अभी ये फिसल भी गई थी। क्या बताती हूँ, अभी हम लोग यहाँ से चल रहे हैं और गिरी नहीं तो मुझे लगा गिरेगी तो इतना मार खाएगी ना। अरे यार, इसके हाथ में तो जा रही है, इससे ना हाथ पे कड़वा कड़वा सा लग गया था, पता नहीं क्या, तो कड़वा कड़वा लग जाता है। हमें क्या करना है कड़वाहट से, ये दिखने में तो सुंदर है ना, ऐसा ही होता है। नहीं रहे, चल अभी यहाँ पे दूसरा ओ आएगा गधेरा, ठीक है, गधेरा बड़ा वाला गधेरा नहीं, वो गधेरा नीचे होता है, छोटा बोलते हैं डालिए तो बोलते हैं गधेरा ही तो बोलते होंगे। देखो हम आपको वाटरफॉल दिखाएंगे, ठीक है, हम आपको वाटरफॉल दिखाएंगे, तो ये है गधेरा और ये वाटर, ये फॉल कर रहा है, बटरफ्लाईज भी है, देखो ये तितलियां भी उड़ रही हैं अगर दिख रही होंगी तो। ये पत्थर आने जाने के लिए लगा के रखते हैं रास्ते पे, ताकि आने जाने वाले अच्छे से क्रॉस कर सके रास्ते को। अब हम ये सारे तोते पक्का सेब खा के गए होंगे। ये लाल वाला सेब है और एक घास की गुडली काट के मम्मी रखी है, ये उधर उधर, पता नहीं कौन सी हमारी हल्की होगी, क्योंकि भीगी घास तो बहुत भारी होती है, और मम्मी लोग आए नहीं है। ये है बचली कीड़ी, ये हमारा भविष्य बताती है हमें, जब तक मम्मी लोग नहीं आए तब तक हम अपना भविष्य जान लेते हैं इस बचली कीड़ी से। अरे यार ये तो लुढ़क गई, चलो कोई नहीं, हम लोग भी घास वास लेके चलते हैं अब। तो घास वास भी ला गए हैं हम, और मुंह हाथ भी धो लिया मैंने आने के बाद, जो अभी जो है एक बार बॉल बना लेती हूँ। अच्छी बारिश भी स्टार्ट होगी, हाँ हम लोग सही टाइम पे आ गए, बारिश भी स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी मतलब तो करेक्ट टाइम पे पहुंच गए हम लोग। मेरा माथा काफी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी का माथा ही बढ़ रहा है, तो वो वहां से आया है मम्मी से।
खाना भी रेडी हो चुका है और खाने में है मिताली क्या दिखा मैं तो खाने का इसका तो खत्म हो गया। मैं अभी लेके आ रही हूँ। तो खाने में है आलू का कुचुम्बर ठेचुआ, उसकी सब्जी और भात। इसका तो खत्म भी हो गया है। मैं अभी लेके आई हूँ तो मैं भी खाना स्टार्ट करती हूँ और खाना जल्दी से खत्म भी करती हूँ। उसके बाद जो पता नहीं, खैर उसके बाद तो आज तो बारिश का दिन है तो बाहर के काम तो है नहीं। तो अभी अब जो मैं खाना खाने के बाद सोने के बाद जो उठ गई हूँ, मेरे को उठाया ही नहीं पता नहीं किसी ने भी। क्या नहीं उठा माँ? तो हाँ बुझी ही बन नहीं। तो इधर का नाम क्या तुष्य जी चाहे? तो अभी जो है 6 बज गए हैं और मैं 6 बजे उठ रही हूँ और अम्मा यहाँ पे सब्जी लेके आती है, गोभी की, गोभी की सब्जी बनेगी आज शाम को। कितने घंटे से रहना है? 3 घंटे करीब से देने। 3 घंटे करीब। कोई नहीं, ऐसा बारिश के दिन है। अम्मा ने कहा भी अभी कोई काम धंधा थोड़ा हो रहा था, वैसे भी क्यों उठाते करके देखा। ऐसा होता है घर में, तभी तो घर आती हूँ मैं, ऐसे बैठे बैठे खाने को मिलता है। कुछ मत करो, बैठे रहो। फिर बारिश के दिनों में तो और भी मजे ठहरे, कुछ भी नहीं ठहरा बारिश के दिनों में तो, थोड़ा बहुत। बाकी चीज भी आती रहती है खाने के लिए। तो मैं काट दे रही हूँ अभी अब सब्जी, और मेरे से ऐसे करके चाकू नहीं चलता है, ऐसे उल्टा ही चलता है बस। ये हमारे घर के खेतों की गोभी है घर की, और ये बहुत हल्की फुल्की सी हुई है, पता नहीं ना हल्की है। तो ये रहा हमारे मिर्ची का बाड़ा। अब इसमें मिर्चियां हैं ही कहाँ यार। अच्छा है, हुई है, अभी स्टार्ट ही हो रहा है मिर्ची होना इसमें। चीरी ताजी मिर्चियां। तो सब्जी मैंने काट दी है और आटा गूंथ लेती हूँ मैं मम्मी के आने से पहले। तो किचन का काम भी हो चुका है और अभी मैं और मिताली जा रहे हैं दुकान में पेन लाने, क्योंकि हमारी मिताली पढ़ाकू है, पेन खत्म हो गई है। चलते हैं आगे को। इसके बाद कोई डरवर मत जाने इससे कहीं, आ जा। तो हम लोग जा रहे हैं दुकान में। चल क्या मुझे? अरे गुदगुदी लग गया मिताली, चलते चल। तो गुदगुदी लग रही है, चल नहीं कभी। अरे चल, कह रही हूँ जल्दी, देर हो रही है, चल। अरे चल सीधो, कैसी पागल बहन है मेरी, देखो रास्ते पे उल्टे चल रही है। चल दे, हाँ ये ऐसा रास्ता हुआ है बारिश के उससे, और ये ऐसे चल रही है। चल ये भाग गई। चीज लेके आए हैं कल, तो क्या कर रही है ऐसा उल्टी, अब भी नीचे पड़ती। चलो आ गया है घर, खा लेते हैं फिर हम। ओ यस, क्योंकि और ये लेके आई है कुरकुरे, और इससे मेरे को मिर्ची लग जाती है। ये मिताली के स्कूल का काम है। तो हमारा खाना भी हो चुका है और यही सब कुछ था आज के इस व्लॉग में। मेरी तबीयत पहले खराब क्या थी मेरा ना, मतलब फिर से पता नहीं इतनी बार पेट खराब कैसे हो जा रहा, मतलब पच नहीं रहा, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही, मतलब कुछ न कुछ इस टाइप का इशू बार बार मेरे मतलब पेट से रिलेटेड ऐसे दिक्कत हो जा रही थी। तो उस वजह से काफी हालत डाउन थी मेरी, क्योंकि रात को सो नहीं पा रही थी अच्छे से मैं। फिर इस हिसाब से व्लॉग मैं बना ही नहीं पाई लगभग आधे महीने तक का, और अभी मैं घर आई, मेरी तबीयत ठीक है, तो मैंने सोचा कि हाँ व्लॉग बना लेती हूँ, इसलिए आज मैंने थोड़ा व्लॉगिंग कर ली। मेनली कुछ था नहीं व्लॉग में वैसा, जस्ट
इन्फॉर्म करना था कि हाँ मतलब ऐसा तबीयत का इशू है इसलिए व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, और मैं भी ट्राई करूंगी कि मैं डेली व्लॉगिंग करूं, क्योंकि कह रहे थे कि हाँ डेली व्लॉग्स डाला कर, चाहे मतलब जो भी है डेली का डेली पोस्ट क्या कर। अब डेली तो नहीं कर सकती मैं, स्टोरेज का भी इशू हो जाएगा क्योंकि, तो मैं ट्राई करूंगी कि 2 दिन या 3 दिन के गैप के साथ मतलब इस हिसाब से मैं भी व्लॉग जो है पोस्ट करते जाऊंगी। तो थैंक यू व्लॉग यहाँ तक का देखने के लिए, और ऐसे बने रहना मेरे साथ, मिलता है अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।